दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों मैं वीएमसी मशीन के ऊपर, वीएमसी एचएमसी सीएनसी मिलिंग मशीन के, वीएमसी और एचएमसी मशीन के ऊपर G68 और G69 ये दो कोड यूज करके हमको कोऑर्डिनेट रोटेशन, जो कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड द्वारा कैसे प्रोग्राम बनाया जाता है और उसका बनाने से क्या बेनिफिट होता है और कौन से ऑपरेशन के ऊपर ये साइकिल चलती है, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो मैंने आपको इधर लिखा हुआ है वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर ये साइकिल काम करती है टोटल, हाँ, फानुक कंट्रोल के ऊपर। तो G68 का मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड, और G69 कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड कैंसल करने का काम करती है। जब ये यूज करते हो तो कैंसल करने के लिए ये देना पड़ता है। और ये 81 मतलब ये ड्रिलिंग साइकिल, ड्रिलिंग कर सकते हैं या टैपिंग कर सकते हैं ये साइकिल में, रिमरिंग कर सकते हैं, रब बोरिंग काउंटरिंग कर सकते हो, हाँ, जो भी सेंटर ड्रिल मार सकते हो, मार्किंग कर सकते हो, कौन सा भी ऑपरेशन, ये दोनों में ये अलग अलग साइकिल कोड यूज करके आप ये जॉब के ऊपर कर सकते हो। अभी ये राउंड जॉब है हमारा, ये राउंड प्लेट है टोटल, और ये प्लेट के ऊपर ये 200 200 का प्लेट है, और जो उसका ऊंचाई है वो 15 mm है टोटल, जो थिकनेस विड्थ बोलते हैं उसका टोटल, हाँ? और ये राउंड प्लेट है 200 डायमीटर में, उसके अंदर आपको एंगल ड्रिलिंग है, सेंटर ड्रिल है, टैपिंग है, रिमरिंग है, रब बोरिंग है, फाइन बोरिंग है, जो भी ऑपरेशन करना है ये दो साइकिल से आप कर सकते हैं 68 से, हाँ? तो उसका सिंपल मेथड है, आपको उसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए टोटली। फॉर्मेट के लिए आपको ये प्लेन सिलेक्शन कोड है, आपको जब आप कौन से वीएमसी एचएमसी या यूएमसी कौन से मशीन पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये प्लेन सिलेक्शन कोड हमको ये करना पड़ता है। जब एक्स वाई में मू होता है, जेड स्थिर रहता है तो 17 देना है, जब एक्स जेड ये होता है वाई स्थिर रहता है तो 18 देना है, और 19 मतलब जेड वाई जब मू होता है और एक्स कॉन्स्टेंट रहता है उस समय 19 देना पड़ता है। अभी हमारा एक्स वाई मूव होने वाला है और जेड स्थिर रहने वाला है, तो इसलिए हम 17 यूज करने वाले, तो G17 हम प्रोग्राम में देने वाले। अभी G68 का मीनिंग क्या है, G68 के सामने क्या दिया जाता है, G68 के सामने वर्क 0 पॉइंट, मतलब जहां हम वर्क 0 करते हैं उसका वैल्यू इधर देना चाहिए, क्योंकि राउंड पार्ट का मीन सेंटर में ही वर्क 0 है और वाई का भी है सेंटर में वर्क 0 है टोटल। और आर में क्या देना है कि कितना एंगल रोटेशन होने वाला है, क्योंकि हमारा ये जो राउंड रहता है ये 360 डिग्री रहता है, ये 0 डिग्री है आपका, ये पैरेलल कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ये जो भी राउंड रहता है या स्क्वायर रहता है वो 360 का रहता है, फिर वापस इधर से इधर जो रहता है वो 180 डिग्री का हो गया टोटल, हाँ, पूरा ये अर्धचंद्र, फिर वापस ये फिर अर्धचंद्र मतलब ये 270 डिग्री हो गया, 360 डिग्री या 0 डिग्री, ऐसा दो तरीके से ये पॉइंट है। तो आप जब हम आर के सामने कैसा डायरेक्ट ये देना पड़ेगा, एंगल कैसा देना है आपको, अभी ये राउंड पार्ट के ऊपर हमको क्या करना है, आपको ये उसके कोऑर्डिनेट देने हैं और ये एंगल में ये करना है। स्ट्रेट रहता तो उसको एंगल देने की जरूरत नहीं है, मगर ये एंगल में होने के कारण आपको एंगल निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालना है, 360 डिवाइडेड बाय 3 साइड में हमको ये करना है, 3 साइड में वर्किंग करना है, तो 120 डिग्री आ गया आपका एंगल टोटल, हाँ? तो हमारा ये जो डिग्री है एंगल, ये जो डिग्री एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री आ गया टोटल, ये ध्यान रखिए 120 डिग्री निकाला, मतलब आर हमको अभी पहले में कुछ देना नहीं मगर दूसरे में आर 120 देना पड़ेगा। और तो समझ में आया आर किस लिए यूज करते हैं, आर G68 के सामने आर देता है वो एंगल का वैल्यू देना है आपको। टोटल आप कितने भी एंगल में रहेगा तो ये 68 69 साइकिल में आप ये ऑपरेशन इतने कर सकते हो वीएमसी एचएमसी मशीन के ऊपर। फिर एंगल हमारा 120 निकला है,
अभी हमको क्या करना पड़ेगा, G69 ये वो कैंसल करने के लिए हमको देना पड़ेगा टोटल, और वो ऑपरेशन करने के लिए जो ड्रिलिंग है इसको, क्योंकि ये ड्रिल मारना है ना, मैंने इधर दिया है 10 mm का ड्रिल मारना है, तो ये G81 साइकिल से वो यहाँ हम 9 होल मार के देने का काम करने वाले, और डेप्थ हमारा कितना रहेगा, छेड़ ये 15 रहेगा टोटल। हाँ, तो इसी तरह से मैंने आपको फॉर्मेट समझाया है, कौन सा कोड क्या काम करता है, किस लिए यूज करना है। तो इधर डायमिशन दिया है मैं, ये 0 से 0 यहाँ है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, ये एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट है, तो ये कोऑर्डिनेट इसके एंगल भी रहेगा, मगर ये कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, डिस्टेंस जो है ना दिया है इधर, टोटल वो सेम रहेगा तीनों तरफ से। सिर्फ हमको अभी उसका प्रोग्राम या प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है टोटल फानुक कंट्रोल के ऊपर, प्रोग्राम बनाने के लिए पहले हमको फानुक कंट्रोल के ऊपर हमको प्रोग्राम नंबर डालना है टोटल। ये प्रोग्राम नंबर हो गया आपका, हाँ? फिर उसके बाद हमारा रेफरेंस कोड होता है G28 Z0, फिर वापस G28, हाँ? X0 और Y0, मतलब तीनों एक्सेस रहने वाले। हमारा वर्क ऑफसेट नंबर है 54, वो प्लेन सिलेक्शन 17 है, और हम इधर X0 और Y0 दे रहे, मतलब ये वर्क 0 पॉइंट का, ये यहाँ का वैल्यू हो गया, ये हाँ ये वर्क ऑफसेट हो गया जहाँ हमने XYZ ऑफसेट लिया है, और ये जो भी कोऑर्डिनेट हम देने वाले हैं एब्सोल्युटली देने वाले हैं, ऐसा आप कह रहे हो, मतलब इसको ही पकड़ के ये 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, ये एब्सोल्युटली कोऑर्डिनेट होता है 90, हाँ? और रैपिडली आएगा वो फास्ट। फिर उसके बाद हमारा M06T01 ये टूल नंबर हो गया टोटल, हाँ? फिर वो RPM देना है हमको, S1200 दिया है, M03 डायरेक्शन दिया हमने, फिर G43 दे रहे हैं, फिर Z हमारा 100.0, H01 हाइट ऑफसेट है टूल का, Z एक्सेस का, हाँ? और जो हमने ये ड्रिल लिया है, ड्रिल कितने का है हमारा, 10 mm ड्रिल, हाँ? इधर लिखना चाहिए अब टोटल 10 mm ड्रिल लिया है टोटल। तो अभी हमको पोजीशन लेना है यहाँ का, यहाँ तो ऑलरेडी है मगर ऊपर है हम अभी टोटल, तो हम इधर अभी जब सेप लेते हो G0 देना है, X हमारा ये राइट पोजीशन में ना, X0 इधर है तो X+ इधर है, इधर दिखाएं, X- ये है, Y- ये है, Y+ ये है, तो इसमें क्या रहता है आपका, सिर्फ X का वैल्यू देना पड़ता है आपका, वाई तो वैल्यू वो 0 ही रहेगा टोटल, सिर्फ एंगल में रोटेशन होने वाला। एक्स में क्या देना है आपको, एक्स में प्लस कितना रहेगा 0 से, ये अंतर कितना है, 1 होल से, ये होल मैंने इधर दिया है 25 है, एक्स से 25 रहेगा हमारा, और वाई कितना रहेगा, Y0 रहेगा क्योंकि वाई ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं है, 0 पे जा रहा है ना पहले होल, और जेड में ऊपर समझो 5.0 सॉरी 10.10 mm को रुक रहा हूँ, और इधर कूलेंट ऑन किया हूँ, इधर रुक गया है टोटल अभी, X 25+ सेंटर से, और Y मतलब ऊपर Y0 है, ऊपर प्लस Y है, माइनस ऊपर है, तो यहाँ रुक गया है टोटली, हाँ? तो उसके बाद हमारा क्या रहेगा टोटल, तो X ये हो गया, फिर इधर साइकिल हम यूज कर रहे हैं G88, G81 ये साइकिल हम दे रहे हैं, ड्रिलिंग का साइकिल है ये, ड्रिलिंग कौन सा भी जो अलग अलग ऑपरेशन का साइकिल दे सकते हैं, इसमें जेड हमको कितना जाना है, Z-15 जाना है, 15 दिए, हम्म, फिर R कितना है हमारा, R पॉइंट लेवल ये रेडियस नहीं, R पॉइंट बिफोर आफ्टर सेव वैल्यू वाई, मतलब साइकिल मतलब होल के पहले और बाद में ये वैल्यू को Z0 से प्लस वैल्यू के लिए रुकता है R, इसलिए R पॉइंट लेवल वैल्यू बोलते हैं, और इधर मैं फीड दे रहा हूँ 40.0, ये मैम पर मिनट में होता है फीड ये, तो इसी तरह से हमने ये ड्रिलिंग साइकिल यूज किया है इसके लिए, अभी सिर्फ मुझे कोऑर्डिनेट देना है टोटल, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा दूसरे होल का, अभी पहले होल का तो दिया था इधर, तो ऑटोमेटिक होल होके बाहर रुकेगा आके, फिर वापस दूसरे होल का कितना होता है, 20 25 और 25 से 50 होगा दूसरे होल का, X 50,
और वाई जीरो ही रहेगा क्योंकि ऊपर नीचे नहीं है, स्ट्रेट जा रहा है ना, ये दूसरा होल हो गया, इसका काम हो गया, फिर वापस वो पास से जेड जीरो 15 जाएगा अंदर, 15 जाने के बाद, 15 जाने के बाद दूसरे होल को शिफ्ट हो गया, फिर वापस अंदर गया, वापस ऊपर आया, एक्स माइनस कितना होगा तीसरे होल का, ये 25 या 25 अंतर, जीरो से 25 और 25 50 और ये 30 80, एक्स प्लस 80 राइट साइड में जा रहा है और वाई जीरो। तो इसी तरह से ये तीन होल हो गए। अभी हमको डायरेक्टली ये एंगल में आना है, तो इधर डायरेक्टली G68 जो हमने कोऑर्डिनेट रोटेशन बोला था, एक्स जीरो और वाई जीरो, और आर हमारा कितना एंगल लिखा है हमने, 120 डिग्री, तो आर 120 डिग्री, 120 देंगे तो डिग्री पकड़ता है, ऐसा नहीं डिग्री का सिंबल ये देना है। तो इसी तरह से पहले जो डिग्री लिया हमने ये एक है, अभी इधर मतलब इधर आएगा, यहाँ रुका था डायरेक्टली इधर आ गया, अभी एंगल से एंगल लेगा वो, लेके डायरेक्टली सिर्फ उसमें वैल्यू देना है आपको। अभी पहले होल का वैल्यू हमारा कितना है, एक्स 25 है और वाई जीरो ही देना है आपको, एक्स 25 देना है। इधर कैसे 25 ऊपर गया था, इधर दो होल का हुआ था, पहले होल ऊपर गया था, मगर इधर तीनों भी होल का देना है आपको, वाई 0.0 सिर्फ देते रहना है। ये पहला होल हो गया, फिर दूसरा होल का तो एक्स ये 25 हुआ पहले होल का और वाई जीरो हो गया। हाँ अभी दूसरा वो ऑटोमेटिक वो साइकिल ये करेगा ना, क्योंकि ये इधर 5 को रुका था, इधर आ गए, फिर इधर शिफ्ट हो गया 5 से जेड जीरो, फिर अंदर 15 जाएगा, फिर ऊपर रुकेगा, फिर दूसरा होल एक्स कितना है 50, एक्स 50.0 वाई जीरो, ये हो गया दूसरा होल। तीसरा होल एक्स 80 है वाई 0.0, ये तीन होल हो गया टोटल, ये भी तीन होल एंगल इसकी वजह से, ये तीन 68 की वजह से हो गया, ये सेट के कोड की वजह से ये तीनों होल इधर रुक गया। फिर वापस मैं इधर अभी G68 दे रहा हूँ, एक्स जीरो दे रहा हूँ, वाई जीरो दे रहा हूँ, 80 डिग्री है ये एंगल हमारा, तो 120 प्लस 80 माने कितना हो गया, आर 200, 200 ये आर मतलब एंगल हो गया। तो इधर से वो कितना 200 पकड़ता है टोटल, 120 प्लस 80 माने 200 डिग्री में आएगा वो टोटल। वाई का वैल्यू जीरो ही पकड़ना है, फिर एक्स 50 रहेगा दूसरा होल, वाई जीरो है आपका, फिर तीसरा होल एक्स 80 है और वाई जीरो है आपका टोटल, फिर तीसरा होल एक्स 80 है वाई जीरो है। तो इसी तरह से ये क्या होगा, इधर रुका था फिर वापस टूल 68 वाई जीरो की वजह से, ये कोड की वजह से वापस इधर आया, इधर से वापस ये शिफ्ट हो गया एक्स 25 और वाई जीरो, तो ये पॉइंट को शिफ्ट हो गया इधर टोटली, फिर उसके बाद वो अंदर जेड जीरो, फिर जेड 15 जाएगा, ये इसकी वजह से 15 जाके वापस आर 5 को रुकेगा ऊपर, फिर वापस ये दूसरे एक्स 50 वाई जीरो की वजह से शिफ्ट होगा, अंदर जेड जीरो, फिर अंदर 15 जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा, फिर वापस एक्स 80 वाई जीरो की वजह से इधर शिफ्ट होगा, जेड जीरो अंदर 15 जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा 5 एम एम आके रुकेगा। तो ये ध्यान रखिए G69, फिर हम उसको टूल ऑलरेडी 5 एम एम बाहर आके रुका है जो आपकी सेफ जगह, फिर उसको और ऊपर लेने के लिए जेड 100.0M09 जो हमने कूलेंट ऑन किया था, इधर जो कूलेंट ऑन किया था वो बंद किया हमने, और M05 जो हमारा स्पिंडल डायरेक्शन स्टार्ट की थी उसको रुका लिए हमने। फिर आपको टूल होम पोजीशन भेजना है, तो G28 Z01 Z-axis को ऑटोमेटिक होम पोजीशन लेके गया G28, फिर G91 G28 मतलब X0 और Y0, इधर ये दोनों भी जीरो हो गए, तीनों भी एक्सेस ऑटोमेटिक होम पोजीशन को गए इसकी वजह से, और इधर M30 हमको प्रोग्राम एंड किया है। अभी हमको ऑपरेशन करने के लिए हमने G68 G69 से कोऑर्डिनेट रोटेशन कमांड से कैसे ऑपरेशन करना है, प्रोग्राम भी सिमुलेशन कंट्रोल के ऊपर दिखाने वाला हूँ आपको। अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आया होगा, कुछ ये साइकिल के बारे में कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
G68, G69 कोऑर्डिनेट रोटेशन VMC मशीन में मैं साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस कर रहा हूँ, रेफरेंस को गया, ये सीक्वेंस नंबर हो गया, फिर ये प्रोग्राम सेव कोड में टूल आ गया, फिर टूल नंबर कॉल किया, RPM रेगुलेशन स्टार्ट हुआ, फिर Z100M रुका, पहले होल के ऊपर आ गया टोटल, फिर साइकिल ड्रिलिंग का साइकिल 81 से वो ड्रिलिंग होके ऊपर रुक गया, फिर दूसरा होल शिफ्ट हो गया कोऑर्डिनेट रोटेशन का, फिर तीसरा होल हो गया, फिर कोऑर्डिनेट रोटेशन 120 डिग्री एंगल से रोटेट हो गया वो साइड में 120 डिग्री से, ये अभी सेंटर में आया, फिर वापस एंगल से पहला होल मारा रोटेशन का 120 डिग्री का, दूसरा होल मारा, फिर वापस ये तीसरा होल मार गया, फिर वापस तीसरा होल मार के फिर वापस रोटेशन हो गया 200 डिग्री में, मतलब जीरो से 200 डिग्री को पहला होल मार दिया, फिर वापस सेफ हो गया, फिर दूसरे होल पे शिफ्ट हो गया एंगल वाइज, फिर दूसरा होल मार के फिर तीसरे होल को शिफ्ट हो गया और अंदर ड्रिलिंग मार के सेफ जगह आ गए, फिर वापस वो साइकिल कैंसिल किया हमने, फिर सेफ 100 mm ऊपर गया टूल, फिर स्पिंडल रुक गया, फिर जेड एक्सेस पहले रेफरेंस पॉइंट को जाया गया, फिर एक्स वाई रेफरेंस पॉइंट को गए और ये प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड हो गए। तो इसी तरह से हमने ये सिमुलेशन देखा है VMC मशीन के ऊपर। आपको थैंक यू।